मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील करने वाले महाराज नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने 5 जून को होने वाले अपने अयोध्या दौरे को टाल दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन पर एक बार फिर से हमला बोला है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बीते कई दिनों से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के बाद अयोध्या में कदम रखने की देने की बात करते चले आ रहे हैं। भाजपा नेता ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास एक ऐसा अवसर था जब वो माफी मांगकर उत्तर भारतीयों का गुस्सा शांत कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने घाव को फिर से ताजा कर दिया है। 5 जून को मनसे प्रमुख राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द होने के बाद भाजपा सांसद ने कहा कि राज ठाकरे बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, उनका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक ऐसा अवसर था उसके पास, मैं तो कहूंगा कि इस अवसर पर वह फिर चूक गया। अगर वह हमारे संतों से माफी मांग लेते, योगी जी से माफी मांग लेते, मोदी जी से माफी मांग लेते, तो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों का गुस्सा शांत हो जाता। माफी ना मांग कर राज ठाकरे ने घाव को फिर से ताजा कर दिया है। सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि इसलिए मैंने तय किया है कि मेरा कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं होगा, अभी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा बाकी है। एक ऐसा अवसर था उसके पास, मैं तो कहूंगा इस अवसर से वो फिर चूक गया। अगर वो हमारे संतों से माफी मांग लेता, योगी जी से माफी मांग लेता, मोदी जी से माफी मांग लेता, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बड़ा महान लोग है यहाँ, तो इनका गुस्सा कम हो जाता। माफी ना मांग करके उसने घाव को ताजा कर दिया। फिर माफी ना मांग करके उसने घाव को फिर हरा कर दिया। और इसलिए मैंने तय किया है कि मेरा कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं होगा। 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाने को लेकर सांसद ने कहा कि राज ठाकरे को एयरपोर्ट पर रोकने के लिए जो ताकत हम लोग लगाने वाले थे, उस ताकत को कन्वर्ट करते हुए वैदिक रूप से संत महात्माओं के साथ, संस्कृत विद्यार्थियों के साथ हम सभी लोग भव्य रूप से अयोध्या के तुलसी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाएंगे। दरअसल भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहले दिन से ही राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।